सबसे पहले हमें एक रेनबो लाइन बनानी है, देन इस तरीके से यू बनाना है, देन हम इस यू के बीच में एक स्माइली बनाएंगे। इस स्माइली को हम इधर कनेक्ट करेंगे, इस स्माइली को हम इधर कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी आइसक्रीम का शेप बन चुका है, पर अब हम इसे एक छोटा सा ट्विस्ट देंगे। अब आइसक्रीम तो हमने ऐसी बहुत खाई है, पर क्या आपने कभी स्माइली आइसक्रीम खाई है? तो चलिए हम बनाते हैं स्माइली आइसक्रीम। दो सर्कल बनाएंगे, दो सर्कल के अंदर हम एक सर्कल और बनाएंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल में भी हम एक सर्कल बनाएंगे और एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। इन दोनों सर्कलों को छोड़ के हमें ये बड़े वाले जो खाली हिस्सा है ना, उसे हमें कनेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी आइसक्रीम हो सकता है बहुत ही अच्छी बन जाए। देन हम इसे स्माइली बना देंगे। तो हमारी एक क्यूटी आइसक्रीम तो रेडी हो गई है, बट क्या हमें इसे थोड़ा और ट्विस्ट देना चाहिए? क्या आपने आइसक्रीम ऐसी सिंपल सिंपल खाई है? नहीं ना, तो हम इसमें कलरफुल से स्प्रिंकल्स डालेंगे। आप इसमें कलर कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको ऐसे ही करके बता रही हूँ। देन आपकी जो ये कोन है, इसमें आप लाइंस डाल सकते हैं। ये बन गई हमारी क्यूट सी आइसक्रीम। आप चाहेंगे इसमें टोपी भी बना सकते हैं, जो कि हमारी चेरी है। हमारी एक आइसक्रीम कंप्लीट है। तो अब हम बनाते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए हमें फिर एक रेनबो लाइन बनानी है, जैसे हमने इसमें बनाई थी। फिर हमें उसके ये जो यू है उसे उल्टा करना है, सिंपल। उसके भी हमें टू ईयर्स बनाने हैं। हमने इसकी टू आईज बनाई थी, हम इसके टू ईयर्स बनाएंगे। देन अम्ब्रेला में होल करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो हम अपने अम्ब्रेला को इसके बाद अम्ब्रेला के ऊपर से चोटी बना देंगे, है ना अम्ब्रेला सिंपल। फिर जो ये पॉइंट है, इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे। कलर या आप चाहे तो स्केच पेन से कर सकते हैं। इसे आप रेड, ब्लू, ग्रीन या सेम ही कलर कर सकते हैं। तो बताइए आपको हमारी ड्राइंग कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय बाय।